मिले, यही किसी के बस की बात है। इनके यहाँ तमाम तरह का आरक्षण बना देते हैं, कहीं अनुसूचित जात, कहीं जनजात, कहीं पिछड़ी जात, कहीं हमने कहा भाई सीधा सीधा रखो आरक्षण योग्यता को, अगर वो योग्य है तो काम करने के लायक उसी जात का हो, ऐसा कोई कमी क्या नहीं है। इनको तो विभाजन ही करना, इनको तो बंटवारा करना, इनको फूट डालनी है तभी लाभ पर प्राप्त कर सकेंगे। अंग्रेजों ने फूट डाल दी, उन्होंने 200 वर्ष राज करके फूट के खा, और मुसलमानों ने फूट डाली तो 350 वर्ष राज करके, और वही नीति की फूट डालने की तो 70 साल इन्होंने घसीटा है, राज चलाया नहीं घसीटा है, घसीटे ने घसीटने में भारत की जनता के छिछड़े उड़ रहे हैं, लेकिन ये सो रही है, जब तक नहीं जागेगी तब तक परेशान है, जागना तो पड़ेगा ही, जगाने वाले ने आवाज लगा दी जागना तुमको है, अब एक एक को पकड़ के हिला थोड़ी जगाए, वैचारिक क्रांति जगाने का ही तो बिल्कुल है, बिना वैचारिक क्रांति के कुछ होने वाला नहीं। अभी वक्त समय दूसरा है, समय की मांग कुछ और, समय कुछ करवट ले रहा है, अगर पूर्णता कहीं उसने पलटी लगा दी सब खत्म हो जाए, कुछ नहीं बचेगा। अब इनको मालूम नहीं है जो कर रहे हैं, समझते कोई जानता नहीं, वो तो पहले कह दिया गया था, जिसने भारत मात सताई जिसने इसकी करी लुटाई, वो महापुरुष इतना समर्थ है ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा और सब हिसाब चुकता कर देगा, किसी का कोई हिसाब मत। इन्होंने 5 वर्ष 10 वर्ष या 2.5 वर्ष जो भी किया है उनका सबका इतिहास है, सबकी लेखनी, ऐसा कहीं गायब नहीं हो गया, अब सबको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा कि तुमने अपने 5 वर्ष के शासन काल में भारत की जनता को क्या दिया, कितना न्याय दिया, कितनी सुरक्षा की, कितनी व्यवस्था की, क्या किया नहीं? ये बदलते रहे, वो बदलते रहे, वो बदलते रहे, लेकिन सिक्का ये क्यों नहीं बदला गया, ये क्यों नहीं बदला गया, ये क्यों नहीं लाया गया, हमारे जितना बिल्कुल अज्ञान है, उसे कुछ होश ही नहीं आ रहा। अरे चलो तुम सो गए हो तो कोई जगाने वाला जगा रहा, तो उसकी बात तो सुनो, तुम्हारे हित की हो तो मान लो, देश के समाज के सबके हित की बात तो मानो, अगर वो व्यक्तिगत अपने हित की बात करता हो तो मत मानो, लेकिन जो सबके हित की बात हो तो आपको सुननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल माननी भी पड़ेगी। जब गांधी ने आवाज लगाई थी कितने लोग थे, आवाज तो सुभाष जी की थी, किसी की नहीं थी, उसने सोचा कि तो इसका फायदा उठा लो, तो बीच में लोगों की लगा खड़े हो गए, उसी का लाभ ले लिया, लेकिन ये आवाज किसने लगाई थी? अब इन्होंने कहना शुरू किया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, अब कहा, अभी तक क्यों नहीं कहा? अभी जवाहरलाल कहते रहे, कभी राजेंद्र प्रसाद कहते रहे, कभी किसी का नाम लेते रहे, तो हकीकत छिपी नहीं है। चलो इतने दिन बाद तुमने कहा, तुमको सब कहना पड़ेगा, जो जो कहा था, जो जो करने की आवाज दी थी, वो तो सब सामने आ रही है। देखो वो वही रहा जो कहा गया, ये इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा, अब उसमें हेरा फेरी करते रहते हैं कि जान न पाए, कुछ जान न पाए, अरे तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, जान तो जाओगे, किसी के शब्दों में मिलावट करोगे, किसी की आवाज में मिलावट करोगे तो क्या वो तुम आवाज सिद्ध कर दोगे, क्या वो वचन दूषित कर दो तुम्हारे बस के? देखो आज नहीं तो कब किया, वैचारिक क्रांति का बिजली बच गया है, अब तो इनको अपने विचार बदलने ही होंगे, अपनी कार्रवाइयाँ बदलने ही होंगी, अब ऐसे सिक्का बदलने से काम नहीं चलेगा। नोटबंदी, नोटबंदी क्या कहाँ नोटबंदी हुई, नोटबंदी के नोट से नोटे तो आए, नोटबंदी का मतलब धातु आनी चाहिए, तब मान लिया जाए सिक्का बदल गया,
ये आवाज नहीं कोई। और किसी ने ये भी नहीं कहा भाई 500 का बंद किया, 1000 का बंद किया तो गया कहाँ, ये भारत की किस बैंक में रखा था, क्योंकि देश की राष्ट्रीय पूंजी है ना ये, किसी की नहीं है। जब जो नोट छपता है उसके बदले सोना देना पड़ता है, कि 500 का बंद हुआ, 1000 बंद हुआ, कितने क्विंटल सोना चला गया, और फिर तुमने छापा तो फिर सोना दिया, फिर दिया। सोने को गायब करने की नीति है कुछ नहीं, सोना गायब करो, सोना कहाँ गया, राजाओं के मुकुट में सोना, मंदिर में मूर्तियों में सोना, महिलाओं के शरीर पर सोना, तो गया कहाँ, भाई सोने की कोई खाद बना दी गई हो, कोई मशीन का पूजा बना दिया हो तुमने, तो मान लिया गया भाई वो खत्म हो गया, अब कुछ किया नहीं, फिर गया हेरा फेरी करके सब अपने घरों में अपने नाम। ये जहाँ बैठे हो नेपाल में सबसे ज़्यादा भारत का पैसा है 10 रुपये। अगर नेपाल के बैंकों का पैसा निकाल लिया जाए तो देश का कर्जा खत्म हो, केवल इसका। इटली, जर्मन, जापान, स्विट्जरलैंड, मैं इनकी बात ही नहीं करता, ये तो केवल इसकी बात की जाए, इसीलिए उसको पाला जा रहा है। भारत से सामान आता है, भारत से खाद्यान्न आता है, भारत से तेल आता है, और भारत में महंगाई, महंगाई का कारण यही है। जब वो देश की पूंजी से दूसरे देश को पाला जाएगा तो निश्चित बड़े देश में महंगाई आ जाएगा, नहीं मिलेगा। तो अभी हम आए, अभी हमने दोहरी नीति देखी कि भारत से जो आ रहा वो बरसा भंसार दे, पैसा दे, ये बताए वो बताए, यहाँ से जो जाए उसको बताए, भारत फ्री। भारत का व्यक्ति अगर यहाँ आए तो बगैर पैसे नहीं आ सकता, जबकि भारत ही नेपाल को पाल रहा है, जिसको पालो वही आने नहीं दे रहा, हमको आने में वही हमसे पैसा मांग रहा है, कौन सी भाई तुम्हारी देखी। ये धर्म नीति में आता है कि राजनीति में आता है कि न्याय नीति में आता है, कौन सी नीति में आता ही है। दुनिया भर की पाबंदियाँ थी, कल यही हो रहा हुआ, क्या कहने आए हैं, क्या बताने आए, हमने तो हमको नए हमारा छठा कार्यक्रम है अपने पास, मैं बराबर बता रहा हूँ, याद बताता हूँ, हमारी आवाज़ में हेरा फेरी नहीं, कह दिया सो कह दिया, वही कहता रहूँ। नेताओं की तरह अदला बदली नहीं कि अब कुछ मतलब स्वार्थ दिखाई दिया कोई और कह दिया, फिर अगर स्वार्थ दिखाई दिया और कुछ ऐसा कुछ नहीं, परमार्थ में एक ही आवाज़ होती दूसरी नहीं होती। न्याय के लिए आपके पास आए हैं, हमने तो आपसे कई बार कहा है कोई हमको ये एक ही काम हम सब मिलके देखो तो एक ही काम हम सब मिलके क्या करें, अपना जनमत इकट्ठा, क्योंकि प्रजातंत्र में जनमत की महिमा है, क्या जिसके पास जमात वो करामात है उसके पास। ये प्रजातंत्र देश है, प्रजातंत्र मतलब प्रजा किसकी तरफ है, प्रजा क्या चाहती है, तो पहले हम समर्थन को तैयार करें। से मीडिया पत्रकार बहुत आते, सब पूछते रहते, तुमने हमसे मत पूछो, तो तुम हमारा तुम हमारे शब्दों को तुम दोहरा नहीं सकते, तुम निकाल नहीं सकते हो, तुम्हारे पास निकालने की ताकत नहीं है, क्योंकि तुम गुलामों के गुलाम हो, इसलिए नहीं हरी बात तुम छापी नहीं सकते, क्यों पूछते। ये नहीं कि हम कोठरी में कुछ बोले, मंच पर कुछ बोले, मैं नहीं, एक ही आवाज़ रहेगी, कहाँ जाओ तुम लोग सुन लो एक ही। हमारा काम जनता को इकट्ठा करने का है, शुरू किया था, विजय का यही कारण है, जिसके पास जनमत उसको विजय, जनमत नहीं होगा तो अकेले चिल्लाने से तुम कोई नहीं सुन, कितनी अच्छी सच्ची बात आप कह रहे हैं, कोई सुनने वाला है। जनमत सर
जिसका है यार उसी का है, सत्ता कैसे हो जाए नहीं दिखाई देगा तब तक तो सत्ता जलेगी। ये जन्म हमारे हमारे प्रणेता रामवृष यादव आने तो हमारे हमारे विश्व सम्राट नेताजी सुभाष बोल बस ये दोनों में से जब तक एक कोई नहीं आएंगे तब तक जनता जगेगी नहीं, एक नहीं उनकी आवाज वो आएंगे तब कोई में का इन में से दोनों में से कुछ एक तो आना ही पड़ेगा। कोई बीच में आके खड़ा हो जाए हम कर दें। आप ये बताइए कि जो हम आपके पास पेपर लाए हैं सारे लोगों के राष्ट्रपति को दिए हैं सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं हाईकोर्ट को जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है उसमें भी घपला हुआ श्रीमान जी उनको ये सुनाई नहीं देता ये सुनने के लिए उनके काम चुनाव हम जीते हैं चुनाव का बहिष्कार हमने किया है सारे लोगों के पास लेटर हमने बहिष्कार के दिया है अगर बहिष्कार 40% 60% वोट पड़ा बहिष्कार आपने उनको दिया वो थोड़ी चाहते बहिष्कार न उनके से होगा बहिष्कार हुआ हमारा हुआ भारत की जनता बहिष्कार करेगी तो भारत की जनता हमको 40% ऐसा ऐसा राजा नहीं चाहिए हमको न्यायप्रिय धर्मप्रिय राजा चाहिए कि भारत की जनता जब मांग करेगी तभी काम हो जाए ऐसे उनके कानों में आवाज उनको सुनाई नहीं देती तो रुई लगाई उन्होंने स्वार्थ की रुई लगा रखी है ये आवाज उनके कान में नहीं सुनाई दे रही कि सत्य क्या है अच्छाई क्या है न्याय क्या है सुरक्षा क्या है व्यवस्था क्या है इसकी उन्होंने रुई लगाई। 28 मई 2012 से लगातार अभियान चला रहा पूरे हिंदुस्तान में किसने सुन और ये भी नहीं उसी शासन प्रशासन से परमिशन लेके लोगों ने कहा परमिशन के लिए तो हमने परमिशन नहीं लेते इन्फॉर्मेशन देते मैं ये कहने जा रहा हूँ तेजस्वर समाज के हित में ये आप सुन लीजिए आप अब आइए या अपने नुमाइंदों को भेजिए इस आवाज़ को सुने इसको आगे बढ़ाएं अगर देश का कल्याण करना चाहते तो इसने सुनते लेकिन क्या बंद कर देंगे इसे ये भी नहीं कि बंद भी कर देंगे नेपाल के लोग गए पहले हमने इनका तो क्या वहाँ जाऊँ कई बार जाते हैं उतने लोग तुम इकट्ठे होते हो ना तुम आगे तो बढ़ा पाते हो ना आगे दोनों को घूमने की कोई शिक्षा दे पाते हो तो फायदा क्या हम कोई भाषण स्पीकर थोड़ी देने आए हम तो समय की सीख और समय की जो आवाज़ है और समय जो कह रहा है उसको कहने आया तो स्पीच तो मैं नहीं करता स्पीच तो भाषण करते हैं वो नेता और स्वार्थ के धर्म का संदेश देते हैं वो बाबा लोग तो वो बाबा नहीं है न वो राजनीतिक देखा इस बात को मान लीजिए मैं तुम्हारे मिलकर चल ही नहीं सकता तुम्हारे बातों हमारी बातों बड़ा विरोधाभास है हमारी बात तुम्हारी सुन में आती ही नहीं है मैं क्या कहना चाहता हूँ मेरा क्या लक्ष्य उद्देश्य अभी तक तो किसी ने पूछा था ना लो परमिशन तो हंगामा काटे अनुशासन नहीं मानते हैं आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं ये करते वो करते जो हम मानने वाले हम ही हैं कोई नहीं मानता कोई शोभा यात्रा निकलेगी तो क्या प्रमाण दे रही ये अनुशासन ही तो सिखा रही है ये जन समर्थन का ही तो तरीका है एक आवाज जय हिंद जय भारत दूसरी आवाज़ें नहीं रहे उसी तरह हम राज्य से हम का जमाना चला गया सुनाम की आवाज़ से काम नहीं तो काम करने आए चले गए उनकी आवाज़ केवल देशी प्रदेशी परिवर्तन की थी लेकिन आप तो विश्व परिवर्तन की आवाज़ ना बात तर समझी ना समझी कितने लोगों ने समझा था कि हमें खून दो में तुम्हें आज़ादी होती उनका मतलब तुम्हारे शरीर से खून थोड़ी निकाल लेंगे खून निकाल लेंगे तो मर जाओगे जिंदे नहीं रहो बात तो समर्पित भाव है उनका
या तो समर्पण हम देश के, देश के लिए कुर्बान होने को तैयार। वही बात बीच में हमारी चले आ गई, चलो इनका भी है सब देख। समय 3:30 बज गया, अंग्रेजों को भी देखा गया, वो भी कहते थे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कौन ऐसा है या हम लोग तो न्याय इस दरबार में बिल्कुल, बिल्कुल। हमने आप ही से सुना है था हमारा गुरु सारे लोगों से हार गए। हम शुरू किया आज भी कहता रहूंगा, हम भारत के सबसे बड़ा जो प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति होता है उसके पास भी हम लोग दिया है, वहाँ से भी न्याय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट को मुख्य श्रीमान जी राष्ट्रपति एक पुतला है, ये तो सब तो आपको हम जानते हैं, तो आखिर इस समय जनता के सामने तो ही राजा है, केवल उनको तो दे दी, उनको सब दे दी, केवल कब बुलाया जाता जब दस के अवबाद है क्या कर सकते। तो अब तो सब जगह से हार जाने के बाद आप जो आप ही के पास तो ये अवबाद लगे रहिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, परिश्रम का फल हमेशा मीठा रहा मीठा रहे, इसलिए थोड़ा समय लगता है। परिवर्तन जिसने किया जिसने आवाज़ दी उसको इंतजारी करनी ही पड़ी। हमारा इतिहास होता था परिवर्तन का, के बिना कोई इतिहास बना ही नहीं। तो जितने भी लोग हमारे सत्याग्रही आए हुए तो कम से कम आप इंतजार कर रहे हैं, आपकी इंतजारी है आंतरिक बल और ताकत, आप भी लोग हमारे पास आते, बाकी हमारे पास कोई नहीं आता, कोई आता ही नहीं। सुभाष वाहिनी वाले एक बार आए थे, सब सम्राट वाले एक बार आने गए, ये बताओ कितने सुभाष थे। सुभाष वाहिनी कहते अलग सुभाष, सम्राट सम सम्राट वाले कहते अलग सुभाष, स्वाधीन भारत वाले कहते अलग सुभाष। ये बताओ तुम्हारे में ही आपस में यानी संगठन नहीं है, सुभाष एक है तीन है, अलग अलग सब दुकानें क्यों लगाए। अगर ये सब दुकानें मिलकर एक दरबार बन जाए तो दरबार सबके न्याय का स्थान होता है और दुकान अपने निजी स्वार्थ की होती है। दुकान पर सौदा बगैर पैसे के नहीं मिलेगा और दरबार में मूर्त लुटाया जाता है। हर दुकान में अंतर है, ये सब दुकानें लगाए बैठे। हम इशारण में हमारे बगल में नदी किनारे उन्होंने सोचा ये आ गए नहीं इसमें, चलो हम भी आएंगे। अरे नहीं इसमें तो बहुत पहले से लोग रहे, कितने गांव बस गए कितने शहर कस्बे बस गए, लेकिन आवाज़ तो किसी ने नहीं उठाई, अब उनको पता ही नहीं है इन इशारों का महत्व तो क्या है। गोस्वामी महाराज ने क्या इशारा, तीर्थ भर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुख्याता, अति शब्द प्रयोग किया है जबकि अति वर्जित होती, ऐसे स्थान सुखदाता। जब किसी संत के साधक इस भूमि पर आएंगे और नाम की साधना करेंगे, नाम की आवाज लगाएंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। अब इसकी नकल यानी लाभ पाने के लिए तमाम नकल कर रहे हैं, जगह जगह से बसे पड़ेंगे। तुमने दुकानें मत लगवाओ, दरबार लगा के देखो, तो चल जाएगा दरबार क्या होता है। तुम्हारे पास कितने आदमी अभी 1,000-2,000 बस आज हो गए, भारत की पॉपुलेशन कितनी, जब तक 2/3 बहुमत नहीं होगा ये नहीं होता। 2/3 बहुमत हमें बनाना ही है, मैं उसी काम में लगा, मैं और कोई काम करता ही नहीं, ना किसी निंदा आलोचना बुराई कुछ, मैं अपने काम से प्रसन्न नहीं है। हम अपना जन्म इकट्ठा कर लाऊंगा, हमारा गुरु परिवार खुद ही इतना बड़ा है, हमें किसी की आवश्यकता है नहीं, हम अगर उसी को संगठित कर लें काम हो जाए। वो 45 करोड़ का जन्म था इसके पास, जन्म किसी पास तो वो बिखर गया है, समय लगेगा भाई। फिर भी कोई खास नहीं, 10 वर्ष में हमने करोड़ों इकट्ठी कर दी। बहुमत आप केवल कह रहे, बहुमत में कितने शामिल हैं
जब हमारा शामिल होना चाहिए जब बहिष्कार का ही हमारा अगर जरा सी अभी आवाज कर दो भाई कुर्बानी कौन देगा तो सब पीछे हट जाएंगे भी नहीं दिखाई। अभी तो ये देख रहे हैं अगर सुभाष जी का समय आ जाए सुभाष जी आ जाए तो हमारा बड़ा महत्व हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा वो सब स्वार्थ ही जुड़े बैठे हुए तो सुभाष ये काम करेंगे सुभाष का ऐलान था इसलिए जब खून की बात कही थी कितने जुड़े थे जुड़ने वाले बहुत लेकिन फिर जब कुछ अपने में बल होता है तो सफलता जुड़ने वालों से नहीं होती वो तो एक नियम है भाई तुम्हारे साथ कितने लोग हैं वो भी दिखा दिए हम तो अकेले ही करते अकेले उनकी आवाज़ पर अंग्रेज लोहा मान गए 12 बजे रात को चली गई लेकिन कई कई गए थे मैं भारत देश को खाली कर रहा हूँ लेकिन मैं ऐसी व्यवस्था बना दूंगा जो भारतवर्ष 350 वर्ष तक में सुधार नहीं कर पाएगा इतना फैला गया हमारे यहाँ कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता अपने अच्छा मर्जी थी और ये सब गुलामी तो दे गए 58 लाख रुपए आज भी पेंशन अंग्रेजों की जा रही क्यों जा रही सब रूपी गुलाम है चमड़ा काय का चमड़ा और मांस तुम बराबर भेजते ही रहोगे इस पर हस्ताक्षर है जिम्मेदार लोग तुम अपना तिरंगा कभी राष्ट्रीय भवन पर नहीं लहराओगे तो लाल किले पर लहराया जाए हमारा लाल किले से क्या मतलब जब राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति राजा है तो राष्ट्रपति भवन पर लहरा चाहिए तो मान लेंगे हम आजाद हैं इसीलिए गोबध बंद नहीं हो रहा उनको चमड़ा मांस भेजना तो सब व्यापारी आ गए उनमें कोई त्यागी तो बस भी कोई समाज सुधारक नहीं है व्यापारी आ गए अपना अपना व्यापार कर जब अंग्रेज व्यापारी नहीं रुक पाए सलमान व्यापारी नहीं रुक पाए भैया कैसे रुक जाएंगे सबका समय निश्चित है समय सबका निश्चित है ऐसा नहीं और जो कुछ है समय ही समय के लिए सबने का टाइम इज ट्रूथ टाइम इज मनी समय सत्य है समय ही धन है तो हमको भी समय को संभाल के रखना चाहिए जब सब कुछ समय तो हम अपने समय को निकलने नहीं देंगे समय तो आपने दे दिया है अब वर्षों की बात नहीं अब तो दिन में हाँ अब समय तो बस सुनिए अभी 23 अक्टूबर क्या रहेगा बस नहीं अभी अभी बहुत गंदगी है अभी कहाँ गंदगी छूटी बताइए ये सब गंदगी फैला तो गंदगी की देखो गंदगी की झूठ की चरम सीमा है आपके गुरु महाराज चाहे आप बाद में भले ही से आवे लेकिन कम से कम हमारे प्रणेता में हो गुरु हमारे नहीं तो सबका गुरु है 21 अक्टूबर कि हमारा दिन हो अब जिस रूम में जो देख रहा है उसको जरूर में दिखाई दे रहे गुरु तो एक ही गुरु दो चार तो देख रहे हैं बात कर रहे हैं सब हाँ गुरु दो चार नहीं हमारा काम करे वही हमारा गुरु हमारे लिए हमारी व्यवस्था जो कर रहा हो हमारा गुरु उसी को तो गुरु मान लेंगे इसको इसमें तो कोई व्यवस्था करने वाला निकला नहीं सब अपनी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं तब तो दिनों की बात आ गई है तो अब सब जानते हैं कि 21 अक्टूबर कुछ न कुछ तो हो बस यही हम लोग का विश्वास है कि 22 कुछ हो ताकि जनता में कुछ तो प्रभाव जाए कुछ दिखे क्योंकि जनता जब तक कुछ देखेगी नहीं तब तक जगेगी नहीं ये भी बात है अरे जनता चिल्लाते जो जाने न जाने वही जनता जनता की यही परिभाषा रहेगी जो कुछ न जाने ताने वो जनता अपने घर के लोग नहीं समझा पा रहे हैं तो कहने का मतलब जब तक कुछ चमत्कार नहीं होगा को तो आप बहुत बड़ी बात अपने मन को नहीं समझा पा रहे ये कब क्या कह दे इधर चला जाए
24 घंटे में देखिए आप कि मन क्या क्या कहता है। कभी कहता नहीं नहीं ठीक है, हम जी जान से लगेंगे। कभी कह रहे हैं यार कुछ नहीं हुआ, इतने दिन हो गए, फटाओ बैठो जी। नहीं नहीं सर, दुनिया बच्चे तो, पाले हम भी पाले। तो जितने लोग जी तो मन नहीं आता है, क्योंकि तो मन का काम है ये विचारना, चिंतन का, संकल्प करता रहता उसका काम, चित्त का काम है चिंतन का, बुद्धि का काम है निर्णय का, तीनों का काम अलग है। जब उसको सही चिंतन मिलेगा तभी बुद्धि सही निर्णय लेगी। अभी चिंतन उधेड़ बन गया, अभी हम कुछ चिंतन करते कभी कुछ चिंतन करते, तो तैयार हो क्यों नहीं रहा कर जल्दी हो जाए। अरे चाहते तो एक मिनट में कर देते, इतना समय क्यों लिया। तो इसलिए जिनके लिए कर रहे वो क्या कर रहे, असली समय शुभ यात्रा को 4 बजने तैयारी हो गई जी मालिक सर, तैयारी हो चुकी है।